गंगा दशहरा 2022। गंगा दशहरा 9 जून 2022 दिन गुरुवार को है। दसवीं तिथि शुरू होगी 9 जून 2022 को 8:25 में प्रातः और दसवीं तिथि समाप्त होगी 10 जून 2022 को 7:30 में सुबह। शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त 4:27 से लेके 5:13 सुबह। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेके 12:42 दोपहर। गोधूली मुहूर्त 6:23 से लेके 6:47 शाम को। अमृतकाल मुहूर्त 10:27 से लेके 12:03 रात को 10 जून को। विजय मुहूर्त 1:23 से लेके 3:13 तक दोपहर को। निशिता मुहूर्त 11:54 दोपहर को लेके 12:40 दोपहर जून 10 को। प्रातः संध्या 4:50 सुबह से 5:58 सुबह। सायं संध्या 6:35 से 7:44 शाम को। अशुभ समय राहु काल का समय 1:51 से 3:26 दोपहर। गुलिक काल 9:07 से लेकर 10:42 सुबह। यमगढ़ काल 5:58 से 7:33 सुबह। दुर्मुहूर्त 10:11 से लेकर 11:01 सुबह। 3:13 से लेकर 4:04 तक दोपहर को। वर्ज्यम काल 12:53 से लेकर 2:29 दोपहर को। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल के दशमी को मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे महापुण्य कार्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मोक्ष दायिनी गंगा की पूजा की जाती है। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा की पूजा विधि, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर इस दिन गंगा नदी में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की कोरोना वायरस की वजह से घर पे ही रहकर स्नान करें। नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और माँ गंगा का ध्यान करें और स्नान करें। घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन भगवान शंकर की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें व गंगा मंत्र का जाप करें और संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। घर पर ही रहकर माँ गंगा की आरती करें, माँ गंगा का आवाहन करें, उन्हें भोग लगाएं। और भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। आगे गंगा मंत्र दिया गया है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच में गंगा दशहरा का बहुत विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा का पर्व इस बार 20 जून 2021 को होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर ऋषि भागीरथी के अथक प्रयासों से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा दशहरा का महत्व, इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उनकी कृपा से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान से करीब 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है। 10,000 तरह के पाप धुल सकती, इसलिए अतीत में गलतियाँ और कोई बड़ा पाप करने के बाद इंसान गंगा माँ की शरण में जाकर आस्था की डुबकी लगाकर प्रायश्चित करता है और इस दिन दान स्नान करने का भी विशेष महत्व है। अगर इस बार आप लॉकडाउन की वजह से गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही इस मंत्र का जाप करके आप गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कीजिए। तो गंगा मंत्र है, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाए पावाए स्वाहा। यह मंत्र जो है भविष्य पुराण से लिया गया है। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। यह गंगा मंत्र है। इस मंत्र का आप नहाने के पानी में गंगा जल डाल के आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको जरूर गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा।
लॉकडाउन में गंगा दशहरा की कैसे करेंगे पूजा विधि। तो लॉकडाउन में आप घर पर ही रहकर गंगा दशहरे की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सुबह उठकर आपको सूर्य दर्शन कर स्नान करना है। स्नान करने से पूर्व जल में गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर मिला लें। गंगा जल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। इसमें दिए हुए 3 मंत्र में से 1 मंत्र का आप नहाने के टाइम पर जाप कर लीजिए। तो तीसरा मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी मदद करती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इसमें हर तरह के त्यौहार पर्व, उसकी शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त सब